हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। तो पबजी मोबाइल 1.9 अपडेट आने के बाद काफी लोग परेशान थे कि आइलैंड के ऊपर किल नहीं मिलते, हमारी केडी ज्यादा नहीं होगी, हमारा रैंक पुश कैसे होगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन बताने जा रहा हूं। भाई लोग वीडियो काफी छोटी है और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपके ऊपर आइलैंड में किल काउंट और रजिस्टर कैसे होंगे। पहले वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आपने लैंड होने के बाद करना क्या है कि जितने भी एनिमीज आपको नजर आएंगे उनको आपने नॉक कर देना है और नॉक करने के बाद भाग कर नीचे जंप कर देना है। देखिए जैसे करूंगा, ये जंप कर देना आपने उनसे फिनिश होने से पहले पहले, जो एनिमी आपने नॉक किया उनके फिनिश होने से पहले पहले आपने नीचे जंप कर देना है। नीचे आने के बाद बस आपको यहाँ इंतजार करना है। गाइस ये बात आपको पता होनी चाहिए, जितने आपने ऊपर नॉक किए आपको इतने किल नीचे मिलेंगे। आपने 3 नॉक किए आपको 3 किल मिलेंगे, आपने 5 नॉक किए आपको 5 किल मिलेंगे। जितने भी नॉक किए होंगे आपको नीचे आके उतने ही किल मिलेंगे। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, जब जैसी उनकी पेटी ऊपर बनेगी हमें यहाँ नीचे किल मिल जाएंगे। आपको लाइव प्रूफ के साथ अभी देखेंगे कि जब उनकी पेटी ऊपर बन जाएगी हमें नीचे किल मिल जाएंगे जिन लोगों को हम ऊपर नॉक करके आए। तो गाइस आप ऊपर लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि आप जो 2 ऊपर नॉक करके थे आपको 2 किल मिल गए हैं। तो गाइस लेकिन ये मोली के साथ किल इफेक्ट में शो हो रहे हैं और बंदे भी अभी उतने ही लाइव हैं जितने पहले लाइव थे। गाइस इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। गाइस केडी बनाने के लिए आपको आईलैंड पर लैंडिंग करनी है, बंदे नॉक करने हैं, नीचे जंप करके बस वेट करना। तो गाइस ये ट्रिक प्रूव हो गई है कि 100% वर्किंग ट्रिक है। तो गाइस आज की वीडियो को यही एंड कर। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।